प्रकट करते हुए आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने का अनुमति देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constitution assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution main maths ka chhatri mein padhti hu aur meri maa ka naam Srimati Priyanka Singh hai aur मेरे पापा का नाम श्री अजय सिंह है और मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 SECL कुसमुंडा कोरबा छत्तीसगढ़ है और मैं आज आप सबके समक्ष भारत का संविधान कहने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बच्चों को बहुत बहुत आभार। दोनों ने बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से संविधान की उद्देशिका का वाचन किए। सबसे पहले तो मैं आप सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों को जय अर्जक, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और मैं तारीफ ही करता हूँ देव प्रताप सिंह जी की और विनोद प्रभु जी की भी और जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में और जुड़ते आ रहे थे, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि जितने भी पिछले 2 मई 2021 से जो ये कार्यक्रम चला रहा था, महापुरुषों के बारे में जानकारी, किसानों की दुर्दशा और आज जो है सोशल ब्रेन वॉश, ऐसा कर करके अलग अलग विषयों पर जो भी बातें उठती हैं और अलग अलग वक्ता आते हैं और बखूबी वक्तागण अपनी अपनी बात को रखते हैं, लोगों को नई नई जानकारी मिलती है, इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ कि कम से कम ये कार्यक्रम जो है ना इतना बढ़िया चल रहा है और अपने लोग अपनी बात को रखते हैं, श्रोता लोग अपनी बात को सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात। खासकर जो आज का जो विषय है सोशल ब्रेन वॉश, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये देव कुमार सिंह जी जो है ना लेके आते हैं देव प्रताप जी कि सोशल ब्रेन वॉश कि मतलब हम पूरा ओबीसी एससी एसटी को अपन पूरा बदल देंगे और लोगों को एकजुट कर देंगे और हमारी सत्ता आएगी और हमारा हक अधिकार मिल जाएगा। निश्चित रूप से उनकी सोच जो है ना बहुत दूर तक, इस सोच को जो है ना अपने को जहां तक मुझे जानकारी में आ रहा, मुझे समझ में आ रहा, वो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। हम लोग जो है वास्तव में एससी एसटी ओबीसी की बात करूं, पसमानदा की बात करूं, तो हम शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में न तो पिछड़ा वर्ग खुद सुधरने के लिए आगे आ रहा है,
उतनी तत्परता से और न सरकार इनके लिए कुछ कर पा रही। सरकार तो चाहती है कि ये पिछड़े रहे, तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़े खुद और वेबिनार के माध्यम से आगे बढ़े। हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हम पिछड़े हुए हैं, इसका कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम अपने पाखंडवाद में, अपने अंधविश्वास में, हमारी जो चेतना वास्तव में घिरी हुई है इस पे, और जो हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं इस बात पे, वास्तव में हम उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें कैमरा खोल दिया जाता, कैमरा खुला हुआ नहीं होगा। अरे सर कैमरा ठीक है सर, सर बहुत बढ़िया सर, कैमरा खोल लिया हूँ। अब मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग मेरे को क्या है, लोगों को ज्वाइन नहीं कराना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अब मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग का है उसमें इतने ऊंच नीच हैं, 6,743 जातियां हैं एस सी एस टी ओबीसी को मिला लिया जाए, और यदि हम खाली पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 3743 जातियां, इतना ऊंचा नीचा बना दिया गया है कि ये सवर्ण तो चाहते हैं, मनवादी लोग चाहते हैं कि आपस में एकजुट ना हो पाए, मिल ना पाए, एक स्तर में नहीं आ पाए, इस कारण से कहीं ना कहीं हम वास्तव में एकजुट नहीं हो पा रहे। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने स्तर को, अपने ऊंच नीच वाले भाव को ये हम एक करें, रोटी बेटी का संबंध बनाएं, एक साथ बैठकर खाना पीना करें, तब जाके व्यवस्था बनी। हमारे बीच में वैज्ञानिक तर्क होना चाहिए कि वास्तव में हम कहां पे ये गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों हम इतने हर क्षेत्रों में पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पिछड़े हुए हैं। यदि हम और आगे की बात करूं तो आज की तारीख में भी हम जन्म से मृत्यु तक की यदि हम बात करूं, बस संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, जन्म से यदि हम बात करूं, बच्चा पैदा होता है तो उसका छठी का नामकरण का अन्न प्राशन का इसमें भी जो है ना हमको सब पंडितों के माध्यम से कराना पड़ता है। शादी की बात है, शादी में हम द्वार पूजा से लेके चढ़ाव शादी और ये सारी बातें जो है ना सब पंडित लोग ही कराते हैं। कहीं ना कहीं से हम जो है ना उन्हीं पर आश्रित है, पंडितों पर ही आश्रित है, सवर्णों पर आश्रित है, तो यह अननेसेसरी का जो है ना हमसे पैसा लेके जाते हैं, अननेसेसरी हमारा खर्चा बढ़ता है। इसके बाद की बात करूं तो जिसे हम हनुमान चालीसा और महिलाएं जो है संतोषी माता की पूजा करती है, घर में कथा होता है, भागवत होता है, कहीं ना कहीं से जो मुझे नहीं कराना चाहिए ये भी तो हम पाखंडवाद के तहत ये सब करा रहे हैं, जिसमें हमारा कोई सबूत नहीं है हमारे पास, फिर भी हम और हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग कोशिश करते हैं कि ये हम ये व्यवस्था बना के रखें, इसलिए हम पाखंडवाद से जुड़े हुए हैं और हम पीछे चले जा रहे हैं। यदि हम मकान भी बनवाते हैं तो मकान का मालूम है, यदि हम मकान बनवाते हैं तो जो प्लाट का शुभ दिन होता है, शुभ दिन उसका हम पूजा पाठ कराते हैं पंडितों से, पंडित हमें बताता है कि आप फला तारीख को आप अपना घर बनाना शुरू करिए, फला तारीख हमारा घर बन जाता है तो फला तारीख को आप अपना घर का उद्घाटन करिए। सारा जो है ना हमारा खेल पंडित लोग करते हैं, पंडित लोग जब बताएंगे कि ऐसा ऐसा करते जाइए तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे की बात करूं, गाड़ी हम खरीद रहे हैं तो तब भी हमको पूजा पाठ कराना है, उन्हीं से कराना है। घर में अपने देवी देवता सवेरे हम नहाते हैं, अपने देवी देवता जो घर में रहते हैं उनकी हम पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये गड़बड़। हमको वास्तव में मान लीजिए हम समझ आऊंगा, क्योंकि हमको लोगों को ज्वाइन भी कराना रहा है, हमें होस्ट भी हूँ तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब मैं आगे की बात करूं, मान लीजिए मैं व्यवसाय करता हूँ, किसी फैक्ट्री में करता हूँ, हमारी फैक्ट्री सही नहीं चल पा रही, हमारा व्यवसाय नहीं चल पा रहा, तो पंडित लोग ये बताते हैं कि एक काम करो भाई, पूजा पाठ कर लो तो आपकी सारी व्यवस्था बन जाएगी, हनुमान की प्रतिमा हम लगा लेते हैं, गणेश जी की पूजा लगा लेते हैं, तो उनके कहने पे हम सारी व्यवस्था बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम अंधविश्वास के तहत आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम मूर्ति लगा लेते हैं, पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं, इसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आगे हम आगे यदि हम बात करूं तो सरकार जो है हमको और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको खुद जो है ना मंदिरों में घूमने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम ये ट्रेन बुक कर दे रहे हैं, हम ये बस बुक कर दे रहे हैं, आप जाओ भाई पूरा देश अटेंड करके आओ, जहाँ बड़े बड़े मंदिर है वहां घूम फिर के आओ। तो मतलब है हम खुद भी और शासन भी चाह रही है कि जाए अपना बर्बाद करें, अपने बच्चों के लिए पैसा न जोड़ पाए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सुविधा न मुहैया करा पाए, लेकिन ये पूरे देश में जितने मंदिर है उनका मंदिरों का दर्शन करके आए और सारा जितना इनके पास पैसा है खर्च कर दें और बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे ना इकट्ठा कर पाए और बच्चे इनका जो है ना पढ़ पाए। आजकल तो सरकार चाह रही ना, जितने भी सरकारी संस्था है उनको प्राइवेट कर दे रही है, फीस बढ़ा दे रही है, कुछ चाह रही है कि ये इनके बच्चे ना पढ़ पाए, आगे ना बढ़ पाए।
उनको पता लगने लगा है वास्तव में कि इनके बच्चे जो है अब थोड़ा सा पढ़ लिख के नौकरी चाकरी में आने लगे हैं, इनका पढ़ाई का स्तर बढ़ गया है, तो उनको अखरने लगा है। अखरने लगा है तो कहीं ना कहीं हमें जो है पीछे धकेलना चाह रहे हैं। तो ये बातें हैं कि हमको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यदि हम और आगे की बात करूं, सोशल मीडिया, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया की बात करूं, वो भी ये ब्रेनवास में ही आता है। सोशल मीडिया हमें सोशल ब्रेनवास की बात करूं तो जो गोदी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारा साथ नहीं दे रही है, सोशल मीडिया ही हमारा वास्तव में साथ दे रही है। तो सोशल मीडिया के तहत यदि नेशनल दस्तक की बात करूं, नेशनल जनपद की बात करूं, अंबेडकर नामा, ये बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जहां पे हम अपना प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। ये जो गूगल मीट के तहत हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वास्तव में हमारे लिए एक अच्छा विषय है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। बस वास्तव में इतना ही कहना चाह रहा सर कि ये हमारी कहां कहां हम पीछे हट रहे हैं, हमको आगे क्या करना चाहिए, हमको वास्तव में मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए, हमको स्कूल की तरफ अब जाना शुरू कर देना चाहिए, तब जाके हमारी व्यवस्था बनेगी। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जुड़े हुए लोग जो है, रामजी बाबू है, देवेंद्र जी है, विनोद बाबू है, उपेंद्र कुमार जी है, रविंदर जी वगैरह, सभी को मेरा जय अर्जत, नमो बुद्धा, जय भीम। साथियों, अभी अभी हमारे एक वरिष्ठ जो वक्ता थे, उम्रदराज वक्ता, जो जिन्होंने प्रश्न किया रखा है, सब्जेक्ट जो रखे हैं, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा ही लोगों का सोच होना चाहिए, खोज होना चाहिए, और सामाजिक चिंतन को डेवलप करने के लिए समाज में वैचारिक आदान प्रदान भी होना चाहिए। देखा जाए अभी तक जो देश में जो कुछ भी हुआ अभी तक, हमारे 90% बैकवार्डों के मस्तिष्क को इस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इस तरह से उनके मस्तिष्क को डेविएट कर दिया गया है, जिसका नतीजा है कि आज तक 90% जनसंख्या होने के बाद भी 10% का गुलाम बना हुआ है समाज। जीवन के चारों क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चारों क्षेत्र में हम उन्हीं आर्यों के गुलाम बने हुए हैं। और इस देश में तब तक क्रांति जब तक नहीं होगी, हम चारों क्षेत्र से मुक्ति हमें नहीं मिलेगी। हम ब्राह्मणवाद हमें इस तरह से अपने वश में कर लिया है, ब्राह्मणवाद के हम लोग इस तरह से गुलाम बने हुए हैं, और इसी गुलामी का कारण है कि हम हजारों वर्ष से आर्यों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेज 47 में तो चला गया, लेकिन जिनके हाथ से सत्ता लिया, उन्हीं के हाथ में अंग्रेज सत्ता लेके चला गया। हम चौथी गुलामी में फंसे हुए, अभी तक हम आजाद नहीं हुए हैं, और आजादी का लुफ्त हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम पाखंडी और अंधविश्वासी और ज्ञानी बने रहेंगे। इस देश में 90% लोग जिस संस्कृति को मान रहे हैं, वो संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है, ये आर्यों की संस्कृति है। उठने बैठने से लेकर खाने पीने से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में इनका वर्चस्व है, इन्हीं का हर जगह गुणगान है। ये देश में, भारतवर्ष में जो भी अभी कुछ हम लोग आपस में बात करते हैं या सुनते हैं, हर क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से ब्राह्मणवाद की सुपरमेसी। उठिए, सो करके उठिए तो सीताराम सीताराम, नहाने जाइए हरे हरे बम बम, अगर कहीं जा रहे हैं तो पंडित जी से जात्रा दिखाइए, खाना खा रहे हैं तो 5 बार थाली पर दो चावल या थोड़ा दो चावल का दाना थाली के नीचे चौखेट के रख दीजिए। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में ब्राह्मणवाद, और यहां तक
महामाना राम स्वरूप वर्मा जो अध्यक्ष संघ के संस्थापक, भारत वर्ष में एकमात्र राम स्वरूप वर्मा अध्यक्ष संघ ही है विशुद्ध मानववादी संगठन है, इसका दर्शन है जानो तब मानो। अभी तक इस तरह का कोई संगठन देश के अंदर नहीं है, ये बाम से फिर वाले लोग हैं। तो ये लोग कहते हैं कि पहले विचार में परिवर्तन उसके बाद आचरण में परिवर्तन, नहीं 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 नहीं, नहीं। विचार आचार संस्कार त्योहार चारों का हम एक साथ लेके चलेंगे, हम रखेंगे विचार में परिवर्तन, हमारा बेटा आचरण में परिवर्तन करेगा और बाद में क्या होगा हमारा पोता, हम तीन पीढ़ी में सुधार का स्लोगन नारा हम देते चले। जितना चुनाव फिर अभी होस्ट सर इनका, हाँ ठीक ठीक ओके सर, हाँ रेगुलर आप अपनी बात रखें सर। तो ये सब स्थिति है, हम मूलतः इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है जब तक हम इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, और इस देश में जो देवी देवता है मंदिरों का जो अंबार खड़ा होता जा रहा है, इस देश में एकमात्र ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार है तो वर्ण व्यवस्था है, और इनके वर्ण व्यवस्था जो बनाया मनुस्मृति की जो रचना हुई उस मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया यही वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवाद का रीढ़ है। जब तक इस देश में जाति रहेगी ब्राह्मणवाद मस्ती से चलता रहेगा, ब्राह्मणवाद जाति पर टिकी हुई व्यवस्था है और इसका पोषक है देवी देवता धर्म जात पात, ये सारे बुराई को हम इस तरह से फंस गए हैं इस बुराई में कि निकालने के लिए जब तक अर्जक संघ के तार्किक दर्शन अर्जक संघ का जानो तब मानो का सिद्धांत जब तक भारतवासी बैकवाद 90% बैकवाद इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, हम इंसान में जाति खोजते हैं, इतना हैवान हम इंसान है साहब, जाति तो पशुओं में होती है, जाति पक्षियों में होती है, जाति वनस्पतियों में होती है, जाति मछलियों में होती है, कीट फतिंग कीड़ा मकोड़ा में जाति होती है। अगर सेम उसी तरह से इंसान की जाति होती तो किसी दलित की लड़की या किसी सवर्ण के लड़का में शादी करा दो, किसी सवर्ण की लड़की दलित के लड़का में शादी करा दो, अगर बच्चा नहीं होता है तो दो जाति है, बच्चा हो जाता है एक जाति है। मैं पूछता हूँ कि कोई गाय गर्माती है तो भैंसा से हम क्रॉस कराए के बच्चा का आशा नहीं कर सकते हैं, और भैंसी गर्माती है तो सांड से क्रॉस कराए के बच्चा हम बच्चा का आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दो जाति है। ये वैज्ञानिक चिंतन स्वयं को डेवलप करना होगा, और हम पढ़े लिखे आदमी है, ग्रेजुएट है, एमए है, मैट्रिक है, इंटर है, इसके बाद भी हम इतना मूर्ख अज्ञानी बने हैं कि हम मार्स को नहीं जान पाए, हम बुद्ध को नहीं जान पाए, हम अम्बेडकर को नहीं जान पाए, हम ललित सिंह यादव राम स्वरूप वर्मा को नहीं जान सके, हम कबीर को नहीं जान सके, परियार ज्योतिबा फुले को हम नहीं जान सके, हम कितना नालायक शिक्षा जो अभी सिलेबस है इस शिक्षा से एमए पीएचडी कर जाने के बाद आईएएस आईपीएस कर जाने के बाद इंजीनियर डॉक्टर हो जाने के बाद इसके बाद भी सब बेवकूफे बने रहेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मणवादी माँ के पेट से जैसे पैदा हम इंसान लेते हैं सभी माँ के पेट से इंसान पैदा होते हैं, और जैसे ऊपर समाज में हम भाषा जान लेते हैं तो हमारे समाज के लोग हमें हैवान बना देता है, हिंदू है तो मुसलमान है तो ये ब्राह्मण है तो ये राजपूत है, ये जाति बना करके मानव में जातीय दनेर खड़ा कर दिया है, जिसका नतीजा है कि हमारा मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है और हम बूढ़ा हो जाते हैं, इसके बाद भी जात के दलदल में फंसे रहते हैं, देवी देवता शुरू से माँ बाप समाज परिवार सारे लोग जहां जाइए देवी देवता छठ फट नाना प्रकार का दिवाली और ये दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा। मैं पूछता हूँ कि आप कॉमन बात है, यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान क्यों नहीं माइंड एक्सरसाइज करता है, यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत का 20,000 नौजवान मेडिकल का शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूक्रेन गया, जो युद्ध शुरू हुआ रूस से तो क्या हुआ कि भागने का उसको अवसर नहीं मिला, तो भारत सरकार अपील किया और वहां से 20,000
नौजवान जो मेडिकल पढ़ने गए थे यूक्रेन में, उनको वापस भारत में लाया गया। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे देश में सरस्वती है, विद्या का भंडार है, सारे चीज तुम्हारे देश से, तो फिर यूक्रेन जाने की क्या जरूरत है? यूक्रेन में तो कोई लक्ष्मी का और सरस्वती का पूजा कोई नहीं करता है, तो धन और विद्या तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा भारत का प्राइम मिनिस्टर कर्जा के कटोरा लेकर बउआ रहा है, अमेरिका जापान इंग्लैंड फ्रांस जहीं तहीं बउआ रहा है कि कर्जा दीजिए कर्जा दीजिए। अब तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी क्या रही है? हराम खोरी का धंधा करते हो, झूठ का दुकानदारी किया है ब्राह्मणवाद, लक्ष्मी की पूजा करते हो। अमेरिका में तो कोई लक्ष्मी नाम का कोई चीज नहीं है, फ्रांस में इराक कुवैत सीरिया लीबिया जितना देश है, कहीं अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया किसी भी देश में लक्ष्मी सरस्वती नाम की कोई चीज नहीं है। हम इनको जानना होगा, डार्विन को के सिद्धांत को पढ़ना होगा। हम वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति तब होंगे, वैज्ञानिक सिलेबस में बच्चों को का पाठ्यक्रम में से हो, वैज्ञानिक मानसिकता का पाठ्यक्रम हो। हम वहां पढ़ते हैं तो तर्क के आधार पर डार्विन को पढ़े, आइंस्टीन को पढ़े, जेम्स वाट को पढ़े, सिंगर को पढ़े, ऐसे सिलेबस में हो। कबीर को पढ़े, परियार ज्योतिबा फूले रामस्वरूप वर्मा और इन दार्शनिकों का विचार जो सब सही में समाज को इंसान को इंसान बनाने का तार्किक बनाने का इन लोगों का सारा दर्शन है। अभी तक हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक बन करके अपने रोजमर्रा के जीवन को, जैसे एक हमारे इसमें साथी नहीं कहे कि हम सो के उठते हैं नाम भी रखते हैं तो ब्राह्मण से, कोई भी काम करते हैं तो ब्राह्मण से गृह प्रवेश कराते हैं, तो ब्राह्मण के बगैर हो नहीं सकता है। जब ये सब सारी बातें चलती रहेगी तो आप कैसे जीवन के चारों क्षेत्र में रिवोल्यूशन करेंगे? जिन्होंने जीवन के चारों क्षेत्र में जब तक आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक क्रांति कहां नहीं जा सकता है। इस देश के दलित पिछड़े सभी बेईमान लोग हैं, सारे लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, पड़ोस के परिवार में भगत सिंह पैदा हो, हमारे परिवार में डॉक्टर मास्टर इंजीनियर पैदा हो। तो ये बेईमानी का जब तक सोच रहेगा भारतवासियों में पिछड़ों में, तब तक ये देश कभी डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि हम 90% बेईमान लोग हैं और 10% आपस में बहुत ज्ञानी लोग हैं, जिसको रैदास ने लिखा है कि सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा। ऐ इंसान आपस में सत्संग करके राय विचार करके गोष्ठी करके एक साथ चिपक करके रहो, जैसे मधुमक्खी आपस में गुनगुना करके एक साथ हजारों हजार मधुमक्खी एक छत्ता में सीमित करके रहता है, इसके डर से एक कीड़ा के डर से कोई पर एक ढेला नहीं फेंकता है, एक कौड़ी नहीं फेंक पाता है, और हम दुगोड़ा अगर एक साथ अगर मधुमक्खी के जैसा चिपक के रहे तो 10% के देह पर थूक फेंक लेने के बाद वो डूब के मर जाएगा। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि हम जाति में बांट दिया। कौन बांटा? वो मनुस्मृतिकारों ने बांटा, ये आर्यों ने हमें विभिन्न जातियों में बांट दिया, हजारों हजार जाति में 6,000-7,000 जाति में बना करके बांट दिया। क्या इंसान में जाति? आज भी MBA कर जाता है जो विद्यार्थी, वही जात के फेर में पड़ा रहता है। वो क्या पढ़ा? वो भी देवी देवता के फेर में पड़ा रहता है। वो क्या पढ़ा? वे ईश्वर के फेर में, भाग भगवान स्वर्ग नरक के फेर में पड़ा रहता है। वो क्या पढ़ा? यहाँ का डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले हनुमान चालीसा हनुमान की अगरबत्ती दिखाता है। वो क्या बेवकूफ आदमी? जब हनुमान जी रोग दुख जलितर हर लेगा, डॉक्टर लोग प्यार छीनने के लिए रहेगा, डॉक्टरी मेडिकल का वाले मेडिकल कॉलेज बंद कर लो, हनुमान चालीसा घरे घरे ले लो, सबका रोग दुख दलिदर हर लेगा हनुमान। ये सब पाखंडी, इसका असर जैसे आप घर में कैलेंडर रखेंगे देवी देवता का, हनुमान का, पार्वती का, शिव का, ये सब देवी देवता का कैलेंडर रखेंगे तो वही कैलेंडर आपके बच्चों के मस्तिष्क पर छाप पड़ेगा। घर में कैलेंडर है, यही हनुमान जी है, ये राम जी है, ये दुर्गा जी है, ये
शिव जी है, ये बच्चों के कैलेंडर हटाइए घर से फेंकिए, और देवी देवता का नामो निशान घर में कोई बच्चा लेता है, जैसे मेरे परिवार में अगर दुर्गा पूजा गांव में लोग करते हैं, चौक चौराहा पर होता है, मेरे बच्चे मेरे पोता पोती आती है, पोती दादाजी जाएंगे मेला जिलेबी खरीदने या अमुक चीज खरीदने, पैसा दीजिए, हम कह रहे वो राक्षस 10 हाथ की जो राक्षस है दुर्गा उसको गोर लगेगी, ना 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 वो राक्षस को गोर नहीं लगेगा, तब ले आप कैलेंडर मंगवाते हैं पड़ोस में किसी के यहाँ कलर 3 कैलेंडर रखे हुए, कहते जिसको जय जूता मारेगा ये हनुमान को दुर्गा को 3 रुपया मैं दूंगा मेला घूमने के लिए जिलेबी खाने के लिए। अभी से लगता है कूद कूद करके हमारा पोता पोती लात से जूता से मारने लगता है, कहने का जिस तरह से मेंटली उसके मस्तिष्क से जब तक ये पाखंड ये झूठ का पुलिंदा आदम्बर उसके मस्तिष्क से नहीं निकलेगा तब तक हमारा बच्चा मार्क्सिस्ट पदार्थवादी नहीं हो सकता, अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता है। परियार और बुद्ध के बात को जब तक हम उनके मस्तिष्क जेहन में नहीं उतारेंगे तब तक ये आसाराम राम रहीम और हनुमान का बात उसके मस्तिष्क में सवाल भर देगी, कहीं जाएगा तुम्हारे घर में छठ नहीं लोग कर रहे हैं, तो नहीं हमारे यहाँ नहीं होता। इतना मजबूर महिलाएं जिसको राम स्वरूप वर्मा ने कहा अर्जक्शन के संस्थापक कि ब्राह्मण एक के परिवार में एक के बिछौना पर लड़ाई फंसाए हुए है, जैसे पत्नी कहेगी कि छठ करेंगे पति कहेगा कि ना छठ काठी करोगी, ये सब अंधविश्वास पाखंड ये सबसे कुछ होता नहीं है, तुरंत महिला आपकी घूम जाएगी मुंह फेर लेगी और कल होकर सुबह होकर के चप्पा कल कुआं पर पानी के लिए जाएगी तक पड़ोस की महिला पूछेगी अहे दीदी छठ न करी न करब, तो नहीं ना छठ हमारे गार्जियन छठ का कोई सामान मना कर रहे हैं, कोई सामान खरीद के नहीं देंगे न, अरे बाप रे पवित्र त्योहार न छोड़ू नैहर भाग के चल जाओ, लेकिन पर्व होते जाके करब न तो बड़ा नुकसान हो जाए, वो व्यक्ति ठीक नहीं खान, अब परिवार में इस तरह से किए हुए है समाज से जुड़ा हुआ है प्रत्येक परिवार एक बिछावना पर ब्राह्मण लड़ाई फंसा दिए हुए है, आप मानववाद के लिए लड़िएगा पदार्थवाद के लिए लड़िएगा आपकी पत्नी ब्राह्मणवाद के लिए लड़ेगी, एक बिछावना पर लड़ाई फंसा अंततोगत्वा विजय ब्राह्मणवाद का होगा, एक बिछौना पर जब लड़ाई जहाँ चल रहा है तो ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था को जानने के लिए हमें पदार्थवादी सोच का सिलेबस बच्चों को पढ़ाना होगा, मार्क्स को लेनिन को माओ सेतुंग को हो ची मिन्ह के डार्विन के आइंस्टीन के गैलीलियो के जेम्स वाट के ऐसे ऐसे दार्शनिक परियार का ज्योतिबा फुले का सिलेबस होना चाहिए, इनका सिलेबस होना बाबा साहब अम्बेडकर का सिलेबस में होना चाहिए, तब जाकर के हमारा समाज का बच्चा बचपन से देवी देवता के आडंबर से ऊपर उठेगा। आज तक जो आपके देश का सिलेबस है वैसा अमेरिका इंग्लैंड के बच्चे को कहीं नसीब होगा, अगर वो बच्चे यहाँ भी आ जाए वही तालीम देना शुरू कर दीजिएगा तो भी बच्चा पाखंडी हो जाएगा और लगेगा देवी देवता का चक्कर काटने और भूत प्रेत के फेर में पड़ने, इसलिए आप हमारा समाज के लोग सिलेबस में आमूल परिवर्तन लावे, और जिसके लिए हम लोग जंतर मंतर पर अनेको बार धारणा दिया इस समान शिक्षा नीति लागू करो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान सबका शिक्षा एक समान, यहाँ तो शिक्षा को ऐसे कर दिया है कि अब मांगा कि गरीब का लड़का कोई बेहतर शिक्षा नहीं हासिल कर सकता, और यहाँ सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीबे के बच्चा पढ़ रहे हैं, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, यहाँ तक कि जो मास्टर स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो मास्टर का लड़का भी प्राइवेट में पढ़ रहा है उस स्कूल में नहीं, यहाँ की सरकार कानून बनावे कि जो भी सरकारी सर्विस सरकारी शिक्षक है उनका बच्चा उन्हें उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में वो शिक्षा दे रहे हैं, कलेक्टर का बेटा मंत्री का बेटा पूंजीपति का बेटा
सबका लड़का, एक साधारण गरीब का लड़का एक स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट सारे स्कूल को बंद कर दिया जाए तब जा करके, और सिलेबस पदार्थवादी सिलेबस होना चाहिए जिसमें भूत प्रेत देवी देवता आराधना प्रार्थना और गंगा स्नान शिव चर्चा ये सारा बंद हो तब जाकर के होगा। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के हाथ में भारत की सरकार, मेरे हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो मैं ऐसा नियम बना लूंगा कि जिसके घर में रामायण मनु स्मृति गीता वेद पुराण पकड़ाए उसको 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, तब जाकर के समाज में अमूल परिवर्तन होगा। नहीं तो घर घर में सुबह उठ करके लोग रामायण का हनुमान चालीसा तुलसी का पाठ करते हैं, फिर इस देश में कैसे मानववाद आएगा, इस देश में कैसे ब्रह्मवाद का गुणगान तो देरी हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक। ब्रह्मवाद का कर्पूरी जी से जब मैं प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि 4 लाख शादी हुआ है, 5 लाख बिहार में सराज हुआ जिस समय झारखंड ज्वाइंट था। तो मैं पूछता हूं कि 4 लाख शादी हुआ होगा तो 8 लाख सत्यनारायण झूठनारायण कथा हुआ होगा, बेटियों किया होगा बेटियों किया होगा। अगर एक कथा में अगर ब्राह्मण के झोला में 100 रुपया जा तो 8 लाख नौमरी तो एक शादी के महात्मा में चला गया ब्राह्मण के झोला में। 5 लाख श्राद्ध होगा तो एक श्राद्ध में अगर 100 रुपया अगर ब्राह्मण लेता है तो 5 लाख नमरी ऐसे 8-13 लाख तो ऐसे ही दू मद में ले गया, अभी प्लॉट के प्लॉट मद बाकी। साथियों जब तक हम बैकवर्ड, हम दलित पिछड़ा, जब तक हम परियार ज्योति व फूले के लिटरेचर सिलेबस में नहीं देंगे, कबीर का लिटरेचर सिलेबस में नहीं, जब तक उनका हम लोग बच्चे में पढ़े थे रहीम का, रसखान का, कबीर का दोहा चौपा एक चैप्टर, तुझे हरी मिले तो मैं तुझू पहाड़ पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए ता पर मुल्ला बाक दे का बारा है खुदा। हाई स्कूल के सिलेबस में मैं पढ़ा हूं, आज एक को है इस तरह का इस देश में। आज आरएसएस का मैं मुजफ्फरपुर में आया था नजरिया, मैं देखा 8 दिन रहा मोहन भागवत, एक शब्द कोई नहीं जाने कि क्या बात किया, सब सवर्णों के कान में आकर के मंत्र फूंक के चला गया और एक ट्रक तलवार बांटा। क्या तलवार का क्या उपयोगिता है जहां हम संविधान की बात वोट का बात करते हैं वहां तलवार बांटा जा रहा है, तब तो हमको माओ से तुम का बात करना होगा। अगर दुश्मन एक हाथ में तलवार लेके पैनी करता है तो हमें दोनों हाथ में तलवार उठा के पैनी करना होगा। और मैं खूब जानता हूं कि दुनिया में कोई भी परिवर्तन वोट से नहीं हुआ है, वो तलवार से परिवर्तन हुआ है। मैं जानता हूं कि भारत में एक एक बौद्धिस्ट को कत्ल किया पूष मित्र सिंह, जिसको राम आदि राम के नाम से जानते हैं वो पूष मित्र सिंह था। एक एक बौद्धिस्ट को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1200 उत्तर प्रदेश में बौद्ध विहार के सारे बौद्ध भिक्षुकों की हत्या की गई और उनके सब को लेके उनके सर को लेके घाघरा नदी में फेंक दिया गया तो वो घाघरा नदी का नाम पड़ गया सरयुग, सौर से युक्त हो गया। और ये और एक भी बौद्धिस्ट इन आर्यों का मुकाबला पुष्मित सुंग के फौज का मुकाबला नहीं किया, इसलिए वो उसका नाम पड़ गया अयोध्या। अयोध्या का अर्थ होता है जहां एक भी योद्धा न हो, अयोध्या एक भी योद्धा नहीं हो, सभी हिजरे हैं तो सारे बौद्धिस्ट हिजरा बन गए, कटा गए लेकिन काटे नहीं। यहां वही स्थिति फिर आने वाली है 25-26 में, अगर 24 में आरएसएस जीत गया तो फिर यहाँ के दलित पिछड़ा के कमर में झाड़ू गर्दन में हारी मटका लगेगा और तेली के रोड पर चलना। अब कुम्हार जो रिसर्च करने का काम, इन्वेंशन करने का काम, वैज्ञानिक काम किया तेली, उसको कह दिया कि तुम अछूत हो, तुम्हारे मुंह देखने से जातरा खराब हो जाता है, गधा के मुंह देखने से जातरा शुद्ध हो जाता है, कुम्हार गर्दन कटवा जातवा, फिर इन
बैकवादों को होश नहीं आएगा। अब मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा तार्किक आदमी, वो कलबोर्नी लेखन और ये भगत सिंह लेखन सूली पर चढ़ा देगा, हम लोगों को गोली मार देगा। और कुछ प्रगतिशील है, सबका लिस्ट बन रहा है पूरे गांव में, कौन प्रगतिशील सोच के है, मार्क्सिस्ट सोच के है, सबकी हत्या कर दी जाएगी, सेना का इस्तेमाल किया जाएगा, आरएसएस के जितने कार्यकर्ता है सब तलवार भा देंगे, सारे लोग पैरालाइज कर जाएंगे और फिर 10% का हुकूमत होगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है कि जिस देश का विपक्ष डर गया हो, मीडिया बिक गई हो और जनता सो गई हो, यही काफी है उस देश के पतन के लिए। ऐसी व्यवस्था तो यहाँ का मीडिया तो ऑलरेडी बिका हुआ है, यहाँ का विपक्ष सब इतना न चोर है, सारा विपक्ष लूट करके खजाना को इतना न लूटे हुए है कि कोई जुबान सीबीआई के ये ईडी के डर से कोई जुबान नहीं खोल रहा है, सारे लोग डरे हुए हैं। और जनता चाह रहा है कि हम को क्या जरूरत है, भले हम लोग कमा खा रहे हैं, बाल बच्चा ठीक है, दूसरा कोई क्रांति करे, भगवत सिंह दूसरा के घर में हो, हम लोग ठीक है, यहाँ का जनता भी सो गई है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन का तो नाम लेना, हमारे जैसे कुछ लोग हैं कि अलख जगाने का तो काम कर रहे हैं, लोग जग रहे हैं, ये भी है आशा उम्मीद है कि आप लोग जैसे आदमी हैं सहयोग करेंगे तो निश्चित कुछ रिजल्ट आने का आशा किया जा सकता है। और इस देश में जो ब्राह्मणवाद जिस मकाम पर पहुंचा दिया है हम लोगों को, वहां से वापस आने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना प्रयास, अथक प्रयास किया है, लेकिन हमारे लोग बहुत कान तक जू तक नहीं रेंगने दिए। आज भी कुछ ही लोग, परसेंटेज में अभी हम नहीं है, 1% भी हम पदार्थवादी सोच के लोग नहीं है। अगर भारत में 1% मेरे जैसा लोग हो जाए तो कुछ रिजल्ट आ सकता है, कम से कम मेरे जैसा 5% इस भारत में जनसंख्या नहीं होगा तब तक कोई परिवर्तन इस देश में नजर नहीं आएगा। 5% तो आदमी नजर नहीं पड़ रहे हैं कि 24 तक हो, 25 तक हो, कारण कि इतिहास साक्षी है। रूस में जारशाही के खिलाफ बोल्शेविक क्रांति सफल हुआ लेनिन के नेतृत्व में, तो 2.5% लोग जार के खिलाफ जब कम्युनिस्ट आंदोलन को सक्रिय रूप से चला दिया, हथियार उठा लिया, तो जारशाही का खात्मा, 3% आदमी चीन में तैयार माओ सेतुंग के नेतृत्व में हुआ, तो खुली क्रांति करके वहां कम्युनिज्म का स्थापना। भारत में तो 5% मेरे जैसा आदमी हो जाएगा तब यहाँ चीन चेंजिंग संभव है। और बड़ी तकलीफ होती है, जहां गालिब कहे हुए शायद खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। इस्लाम भी भारत में आकर के इस्लाम भी ब्राह्मणाइज हो गया, इस्लाम को भी प्रभावित, क्रिश्चियन को भी प्रभावित, बुद्ध को भी सब प्रभावित कर लिया, एक एक बौद्धिस्ट को इतना भयासू कर दिया कि ये लोग भी ब्राह्मणाइज हो गए, कबीरपंथी भी ब्राह्मणाइज हो गया। ऐसी स्थिति में बड़ी घनाघोर, बाबा साहब अम्बेडकर अगर न होते तो फिर बुद्ध का नाम लेने वाला भारत की धरती पर कोई नहीं होता। आज जो जहां तहे लोग हजारों हजार की संख्या में बौद्धिस्ट का संकल्प ले रहे हैं, एक आदमी भी नहीं होता डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते, अंग्रेज अगर नहीं आता तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते संविधान की रचना ही नहीं होती। तो आज भी हम मुंह खोलने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए आज भी जीभ कटवाना पड़ता, उच्चारण विद्या की बात उच्चारण करने पर जीभ काटना, कान से विद्या की बात सुनने में शीशा डालना, और किसी सवर्ण पर दोनों आंख से ताक देने पर आंख भोंकवाने का जो विधान था, कुर्सी चौकी पर बैठने से चूतर काट के राज से बाहर निकालने का बात, खैरियत मनाया जाए, अंग्रेज का आगमन हमारे लिए सूर्योदय हो गया,
और इतिहास साक्षी है कि भारत में 6000 आर्य तलवार और घोड़ा से आए तो पूरे भारत पर उनका एकाधिकार हो गया, आधिपत्य हो गया, और 6000 आर्य तलवार से इस देश में गुप्त काल को पतन के कगार पर ले गया और यहाँ राजपूत काल की स्थापना। फिर गजनी गोरी का इतिहास में मैं पढ़ता हूँ, गजनी गोरी आया था 30000 से गजनी सोमनाथ मंदिर पर हमला बोल दिया था, 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुरली की तरह काट दिया और सोमनाथ के सभी देवी देवताओं को लूट के ले गया। फिर 712 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोले, दाही राजा की 60000 पलटन हार गए। उन्नीस में कानून बनाया और इस पर गंगा दान पर रोक लगाया। फिर 1707 में शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवार्डों के इस लड़के की शादी, लड़की की शादी होती थी तो दुल्हन अपने पति के द्वारा घर न जाके 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देना, शुद्ध वहां करवाता था। आज जो हम शादी, हमारे लड़का, हम लोग शादी करते हैं तो बच्ची को लड़का के साथ लड़का अपनी पत्नी को घर लाता है, पहले 3 रात शुद्ध करने के लिए हम लोग भेज देते थे, 15 दिन पहले ही पंडित जी के यहाँ शुद्ध करने के लिए अपने बहू, अपने पोता पोती को, बेटी को लोग भेज देता था शुद्ध करने के लिए। इस नहवान हमारे लोग बन गए। इसी तरह से गोबर को देवता नहीं माना, गोबर में देवता घुसा दिया, हमारे लोग मान गए, पैर धो के पिया लिया, हमारे लोग मान गए। इसी चलता फिरता बैकवर्ड लाश है, चलता फिरता ये जुगोरा पशु है, 90% बैकवर्ड। आज भी उनके परंपरा सत्यनारायण झूठनारायण कथा शादी ब्याह में कराते हैं तो हमारा खून जल जाता है। मरने के बाद पिंडदान कराता है, स्वर्ग के लिए गाय तोषक तकिया देता है कि पंडित जी खुश हो जाएंगे तो हमारे पिताजी को स्वर्ग मिल जाएगा। जवान जाति के लोग तुम्हें खराउं खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, छत्ता साइकिल पर नहीं चढ़ने दिया, छत्ता लगाने नहीं दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, लोग तुमको स्वर्ग में भेज देगा कि धसोड़ देगा तुम सोचते नहीं। जवान जात इस जन्म में हमको इंसान नहीं समझा, उस जन्म में तुमको स्वर्ग में भेज देगा। अभी तक तर्क नहीं पढ़ा लिखा करता है कि मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने गया, चंद्रमा पर वैज्ञानिकों ने गया, और आकाश गंगा निहारिका सौर्य मंडल में करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाकर के टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा का भ्रमण करते हुए टेलीस्कोप से दूरबीन से देखता ये अंतरिक्ष के ऊपर, कहीं स्वर्ग नरक का आता पता वैज्ञानिकों को नहीं। अब भ्रमण कह दिया कि मोर गए सुनो बाबू जी दादा दादी ये स्वर्ग में हरियरका में छेद करके चल गए चुनो, इसी लेकर के इसी लालच में हम बाबा जी को तोषक तकिया जूता छत्ता छिपा गाय दान करते हैं। इस बेहूदे लोगों को, इस बेवकूफ नलायक लोगों को, ये पाखंडी ढोंगी लोगों को या फिर बुध आएंगे, फिर अम्बेडकर आएंगे ज्ञान देने के लिए, उसको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जानना चाहिए। एगो तो मैं कहता हूँ कि वो मोबाइलो नंबर में मोबाइलो दान कर देना पंडित जी को, गाय तोषक तकिया के साथ नंबर डाल करके देना, 3 महीना के बाद पूछना हेलो बाबू गाय दान कर लिया, वह माई गाय दान पलम पटिहार सुतई बारू नो, तो अपने उन्हें से आ जाए खबर कि हाँ सुतई बारी की पंडित आय सुतई बारी इनकी पंडित जी सुतई बारों की तोर बाबू की तोर मतारी सुतई बार 12 बजे रात के पलम पर आ दूध दूध के पिए बार ना, तो वो खबर आ जाए हाँ हम तोहर बाबू दूध पिए बारी, हमार तोहर माई दूध पिए बारी। क्या ढंग ढकोसला पढ़ा लिखा शर्म नहीं आता, ग्रेजुएट कर गया, सतनारायण झूठनारायण कथा कहता है, इतना हीनियस जुबान कर दिया, इतना हीनियस क्राइम कर रहा है ब्राह्मण। ये मंदिर छप भारत वर्ष में एक मंदिर है सोमनाथ के मंदिर, एक तिरुपति मंदिर में जितना सोना है भारत के खजाना में उतना सोना नहीं,
2000 टन सोना है तिरुपति के मंदिर में, वो किसका संपत्ति है? हम लोग की संपत्ति। अरे भाई, भारत के मंदिरों में अकूत संपत्ति है, जो टाटा बिरला के पास भी उतना संपत्ति नहीं, उतना सोना नहीं खरीद सकता है। और ये 3% ब्राह्मण कितना बेहतर राष्ट्र रचाए हुए है, वो सिस्टम ना है, कोलोजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज है सब ब्राह्मण है, और उसमें जज का बहाली नियुक्ति नहीं होगी, वह अपना बेटा, हम आपके बेटा को सिलेक्ट कर देंगे, 5 जज मिलके जज बहाल करेगा, उसमें जो उसमें जज है उन्हीं के खानदान के, उन्हीं के परिवार के लोग जज बनेंगे। ये आज भी चल रहा है, आजादी के 70-75 वर्ष बीत गए, कोलिजियन सिस्टम चल रहा है। हमारे लालू, नीतीश, मायावती, मुलायम, ये सारे के सारे लाल राम विलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग आज भी कोलिजियन सिस्टम के गुंडागर्दी को ये लोग जुबान तक नहीं खोला, इसको बंद किया जाए। मैं नहीं, इस नियम को मैं मानूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्टिकल को मैं नहीं मानूंगा, इसका कोई डिसीजन को मैं अपना डिसीजन नहीं मानूंगा। इसके लिए हो क्रांति, हो प्रदर्शन, हो लड़ाई झगड़ा, हो कोई जुबान नहीं। आज तक हमारे देश के जितने भी बैकवर्ड के नेता हुए सब ये उन्हीं का वकालत कर रहे हैं। अरे मायावती काशीराम से मुझे गांधी मैदान पटना में झगड़ा हो गया, मैं पूछा, मेरे भाई पूछे काशीराम जी से, काशीराम जी आप केंद्रीय कमेटी हैं, आप सेंट्रल कमेटी आपकी रन करती है, सेंट्रल कमेटी आपके पास है, तो व्हाट सेंट्रल कमेटी? अरे सेंट्रल कमेटी एक बंधन होता है, एक दिशा निर्देश करता है, एक दर्शन, अपने दर्शन को साकार करने के लिए नीति तय करती है। केंद्रीय कमेटी एक अनुशासन का एक तत्व, काशीराम कहते हैं कि ना काशीराम जैसे केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय कमेटी मीन्स काशीराम, यही स्थिति चला रहा है बामन मिश्राम। तो मेरे भाई साहब का डिक्टेटर चला रहे हैं व्यक्तिवाद, तो काशीराम जी आप मर जाइएगा, आपका भी वही हश्र होगा डॉक्टर लोहिया के जैसा। डॉक्टर लोहिया मर गए, उनकी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी मर गई, और जर्मनी का कार्ल मार्क्स आज भी मर गया, उसका आज भी पूरे विश्व में उसका संगठन चल रहा है। रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक मर गए, अर्जक संघ सोशलिस्ट समाज में चल रहा है, जिंदा है, क्योंकि केंद्रीय कमेटी, अगर केंद्रीय कमेटी काशीराम बनाए होते तो जैसे मायावती बोली कि हाथी न गणेश है, वर्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, तो मायावती से कोई पूछने वाला है कि हाथी दिल्ली गया कि आसाम के जंगल में भाग के चला गया? कोई पूछने वाला है? आज मायावती ऑल इन ऑल बनी है कोई डर से कि टिकट न देगी। केंद्रीय कमेटी होता तो मायावती को अपन दूध में मक्खी पर के जैसा निकाल करके फेंक देता, हटो तुम्हारी जरूरत नहीं है। वर्मा विष्णु हाथी न गणेश है, वर्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, हाथी भगा दिया ना, क्या हसर हुआ मायावती को? शर्म नहीं आता आज भी मायावती को, शर्म नहीं आता है रामविलास पासवान को, संविधान के विरुद्ध सवर्णों का दलाली करके कहा कि हम तो लोजपा के मैनिफेस्टो में 15% सवर्णों को आरक्षण दिया, 5% अपना घर से ले आकर देता, इससे पूछने वाला? आज भी जात के नाम पर वो रामविलास का जाति के लोग रामविलास को अपना नेता मान रहे हैं, और वो कितना बड़ा अनर्थ कुकर्म करके मर गया वैसे आदमी का तो नाम लेना नहीं चाहिए। यही लोग कर्पूरी नहीं हो सकते हैं, जगदेव नहीं, अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं ये लोग। और आप लोगों को जो प्रश्न करना है, हम क्या किधर से कौन सी बात करें? जी सर, एक प्रश्न आया है ईश्वर क्या है? एक प्रश्न आया है सर, ईश्वर क्या है? जी हाँ जी सर, ये ईश्वर समाज पर थोपी गई एक
नामकरण है, एक नाम है, ईश्वर कुछ होता नहीं है। ईश्वर झूठ जिसको बैरियार ने कहा है, क्लियर कालमास ने कहा है, उससे आज मैं कहां से कह सकता हूं। बैरियार रामा स्वामी ना करता ईश्वर के बारे की मानवता के कब्र पर भगवान को ईश्वर को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने लागू किया, मूर्ति इसमें आस्था रखते हैं। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट लिखा है कि मानव गॉड इज ग्रेट लाई, ईश्वर महा झूठ है। ईश्वर को कुछ झूठ लोग पैदा किए, ईश्वर शब्द का रचना करके, जिस समय मानव भाषा नहीं बनाई थी, जब पाषाण युग के बाद मानव भाषा बनाया तब भाषा का इन्वेंशन मानव किया, जब भाषा बन गई है तब मानव भगवान देवी दुर्गा जात पात की रचना की। दुनिया की सारी भाषा मानव से छीन लिया जाती, ईश्वर का कोई नाम लेगा? ईश्वर होता उठा नहीं है, ईश्वर हम और आप पैदा किए हैं। सर एक प्रश्न और आया है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म, धर्म का एक नशा है, धर्म जिसको सभी लोग जानते हैं। ये धरती धर्म भूमि नहीं है, धरती कर्म भूमि है। धर्म धूर्त के द्वारा निर्मित किया गया है। धर्म का एक ऐसा आडंबर बनाया गया कि धर्म के नशा में आप अपना सारी कमाई लुटा सकते हैं। धर्म कोई होता कुछ नहीं होता है, धर्म होता है विवेक बुद्धि को मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। मानव हित में आप अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिससे मानव का कल्याण हो, यही धर्म है। जैसे मानव हित में जेम्स वाट भाप का इंजन बना दिया, जो आसाम पैदल लोग जाते थे, कलकत्ता पैदल जाते थे, और एक ट्रेन का आविष्कार मानव हित में कर दिया जेम्स वाट, वो धर्म का काम किया। आज मंदिर मस्जिद में धर्म का, गुरुद्वारा में धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। क्या मंदिर मस्जिद से कोई इन्वेंशन हुआ है? मानव हित में कोई काम, मानव के अहित में, मानव के विपरीत, मानव को लूटने का काम धर्म के नाम से होता है। धर्म कुछ होता नहीं। सर मैं धर्म और ईश्वर एक ऐसा चीज है कि प्राकृतिक शक्तियां होती है, कुछ लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में नहीं लिया, जो वैज्ञानिकता है उसने, उन धूर्तों ने उसका मानवीकृत स्वरूप कर दिया, अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ताकि जब वो उस स्वरूप का कोई आदमी उसका एजेंट बन सकता है। तो आज प्राकृतिक शक्तियों का पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण जो किया जाता है उसको ईश्वर कहा जाता है, जो धूर्तों का एक चाल है। क्योंकि वैज्ञानिकता यही है कि जब प्राकृतिक शक्ति है, सूर्य है, तो सूर्य को हम प्राकृतिक शक्ति के रूप में ले, उसका फायदा उठाए वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन यदि उसको हम देवी और देवता बना देते हैं, आदमी बना देते हैं, तब कुछ विशिष्ट लोग उसके एजेंट बन जाते हैं कि मैं उसको कन्विंस करूंगा, मैं तुम्हारे बिहाफ में समझाऊंगा। तो ईश्वर एक काल्पनिक विचार इस तरह से है। धर्म क्या है? धर्म एक्चुअली भाषा का जो विकास होता है, इसको आप जब देखेंगे भारत में, प्राकृत पाली और संस्कृत, वेल कल्चर्ड लोगों की भाषा कही जाती है संस्कृत को। तो धर्म शब्द जो है ये मूलतः धम्म शब्द पाली का है, धारेति ती धम्मो, जो धारण करने योग्य गुण या जो क्वालिटी होता है उसको धम्म कहा जाता है, जिसको संस्कृत में धर्म कहा गया, हिंदी में भी धर्म कहा गया। तो भारती दी धम्म, तो एक इंसान का क्या धर्म होगा? एक इंसान का धर्म एक विवेक प्राणी होना है, तर्कशील होना है, और जो 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 है सब है। लेकिन धूर्त लोग जो है, ये जो कल्चरल जो अपहरण किया जिन लोगों ने, उन लोगों ने धर्म का एक गलत स्वरूप दे दिया, एक गलत अपहरण दे दिया, एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक लेप चढ़ा दिया, और धर्म जो मूलतः था आज धर्म विकृत स्वरूप में आ गया है। तो धर्म ये, और किसी रीजन में, किसी रीजन में जो मैंने वहां का जो कल्चर संस्कृति है वो रिलीजन हो गया, और किसी मजलिस का जो कल्चर था, जो वहां जो नियम तय थे, वो मजहब हो गया। तो आप इसको एक तरह से समानार्थी शब्द ही नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन समझने के लिए हम लोग उसको रिलीजन बोल देते हैं और अरबी फारसी में मजहब बोल देते हैं, लेकिन बारीक अगर डिफरेंस करेंगे तो सब शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का कहीं, और आपने जो ये विषय चुना है
ब्रेन वॉश, सोशल ब्रेन वॉशिंग, इसके इस कंसेप्ट के आसपास ही हमने चर्चा की है, क्योंकि सोशल ब्रेन वॉशिंग कोई अब नहीं शुरू हुई, ये मानव ने बहुत पहले से इसका जो लूट की जो प्रथा है उसको चलाने के लिए बहुत पहले से ये समाज में व्याप्त है। और ये एक इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है आज के सोशल मीडिया के युग में कि इसको हमें बहुत ही उसी एल्गोरिथम के जो मापदंड है मैथमेटिकल और जो कंप्यूटेशन हमारा एक डाटा बनता जा रहा है और कैसे हमारे माइंड को हैक किया जा रहा है, कैसे हमें खास प्रकार से सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, कैसे अंध भक्तों की एक टोली तैयार की जा रही है कावड़ ढोने वालों की, उन सारे विषयों को ये समेटता है, ये आज की राजनीति को समेटता है, ये आज के सोशल कैरिकेचर को समेटता है और हमारी एजुकेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको समेटता है और कैसे ये हमें भ्रमित करता है और किस प्रकार से हम आरएसएस के की लाइन में खड़े होते हैं, आरएसएस के को कंधा देते हैं, उनकी बंदूकों को अपने लोगों की तरफ साधते हैं। तो ये जो कंसेप्ट बुद्धा ने कहा था, जब हम ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं तो लोग हमें हैक कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, ब्राह्मणवाद को यदि हम कहेंगे कि ब्राह्मणवाद है तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। ब्राह्मणों ने सारी बदमाशी, वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जाति है, वेदों के 9वें अध्याय में निकाला गया है बाद में, वो प्लैगरिज्म है और इसके बारे में मोनियर से लेके वेंडिडोनिगर ने तो बड़ा अच्छा लिखा है, अभी हिंदू शायद पढ़ी होगी, अभी हमारे से पहले वक्ता बोल रहे थे, शायद वो चीजों को काफी तीक्ष्णता से देखते हैं। गुप्ता जी भी बहुत ही बेहतरीन महीन विश्लेषक हैं, उन्होंने शायद हो सकता है द हिंदू हिस्ट्री पढ़ी होगी वेंडिडोनिगर की, जो बैन कराई थी आरएसएस ने, और ये प्लेगराइज किया गया बाद में, क्योंकि मनु का जो सिद्धांत था वो बुद्धों के खिलाफ एक षड्यंत्र था और उसको अपना आधार देने के लिए उसको पीछे वेदों में डाला गया जो बहुत पहले से चले आ रहे थे, और वेद गडरियों के गीत हैं, चरवाहों के गीत हैं, उनमें कोई साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, वो समाज के लोगों के अपने जैसे हमारी लोकल भाषा के आधार पे या जो उसको प्रिजर्व करने की आर्टिकल 30 में जो आज का हमारा विषय भी है उसमें जो माइनॉरिटी को राइट है, चाहे वो भाषागत माइनॉरिटी हो, तो वो उन लोगों की अपनी एक सोच थी, उनके अपने लिटरेचर था वो, लेकिन ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद जो शुरू हुआ है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है दुनिया में, ऐसा षड्यंत्र किसी और सो कॉल्ड धर्म में नहीं हुआ है। और आज सोशल मीडिया में ब्रेन वॉशिंग का जितना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो इनके पास है, आरएसएस के पास है, झूठ का एक पुलिंदा इनके पास है, उसको समझना भी बहुत लाजमी है। और ये ब्रेन वॉशिंग हमारी की जा रही है, हमारे को हैक किया जा रहा है, तो हमें अपने लोगों को इसमें जागरूक भी करना है और बात अपने अपने आधार की करें। तो बुद्ध ने कहा था वीडियो ऑन किया जाए सर, पवन सर वीडियो ऑन किया जाए सर, मेरा ना यहाँ पर थोड़ा सा वो उसकी प्रॉब्लम है, नेटवर्क की कट जाएगा फिर आवाज नहीं सुन पाएंगे। I'll change it. मेरा हमारी लोकेशन ऐसी है थोड़ी। तो बुद्ध ने कहा था कि बिलीव नथिंग जस्ट बिकॉज अ सो कॉल्ड वाइज पर्सन सेड इट, कि कोई विश्वास मत करो कि किसी बुद्धिमान ने कह दिया है, ना ऐसा भी विश्वास मत करो कि जनरली लोग इसको मानते हैं, आप भी मानो, ऐसा भी विश्वास मत करो कि ये कि किसी और कोई व्यक्ति इस पे विश्वास करता है, केवल उसी के ऊपर विश्वास करो जो आपने टेस्ट किया हो, जिसको आपने जज किया हो और जो आपके अंदर से ऑर्गेनिकली आपके भीतर से निकलता हो। तो ये ब्रेन वॉशिंग को रोकने का पहला मंत्र बुद्ध ने दिया था और उस वक्त उनको ये आभास था कि
कि आने वाले समय में ये ब्रेन वॉशिंग होगी, और बड़ा राइटली गुप्ता जी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है कि ये ब्रेन वॉशिंग हुई है। आज हमारे देश में जो बुद्धिज्म है वो भी ब्राह्मणीकरण हो रहा है, उसका भी अपना रामायणीकरण हो गया है, महाभारतीकरण हो गया है, उसका आरएसएस ने उसको अपने उसमें रंग में लपेट रखा है। ईसाइयों का भी यहाँ पर ब्राह्मणीकरण है, मुसलमान भी यहाँ ब्राह्मणीकरण हुई पसमानदा और अशराफ टाइप से। तो बुद्ध की उन धाराओं को हमें आज उसी सेंस में लेना होगा। और दूसरे यदि हम देखें कि जो आदमी का जो फ्रीडम क्या है, फ्रीडम के बारे में खैर लंबा जुड़ा हो जाएगा ही, अभी कई चर्चाएं हमारी हुई है। तो अभी एक एक मंदिर का महाकाल मंदिर कोई है मध्य प्रदेश में, उसका भी मोदी वहां पर गया, इसने भक्ति का बड़ी चाशनी चढ़ा रखी है, भक्ति में धर्म में लोगों को कैसे उनको उलझा के रखा जाए, ये है ब्रेन वॉशिंग का इनका एजेंडा जो 2009 में शुरू हुआ था। तो भक्ति के उस महाकाल मंदिर में जो मध्य प्रदेश में हमारे मित्र जुड़े हैं, शायद उनको उसका डिटेल में पता होगा, वो खबरें भी पढ़ी होंगी उन्होंने कि कितने हजारों टन वहां पर सैंडलवुड को जलाया गया, हवन हुए है ना, कितना और वहां पर प्रसाद वगैरह बांटा गया, इस प्रकार से उसके शिवलिंग वगैरह बनाए गए और वो बांटे गए। तो लाखों करोड़ों रुपए का बजट वहां पर इन्होंने वेस्ट किया, और फिर उसका प्रसारण हुआ देश के सभी मंदिरों में, 30-35 हजार पता नहीं इतनी LCDs लगी है, वो एक LCD यहाँ पर लुधियाना के भी एक उसमें चौक में लगाई गई, ये किरण खेर का एक हस्बैंड है, वो पिक्चर बनाने वाला है बदमाश हिमाचली, उसने भी वहां पर अपने घर के आगे जब हम उधर से निकल रहे थे, लेकिन इतना बड़ा क्या प्रोजेक्ट सा बना रखा है, गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर वो LCDs लगी कि आज महाकाल का प्रसारण होगा। तो ये क्या है, ये दिस इज ब्रेन वॉशिंग, और ये हमें अपने लोगों को इसके ऊपर चर्चा करनी है, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। ये केवल ना केवल हमारे आज के जो चैलेंजेज हैं उनको हमें समझना है, बल्कि जो पिछले इतने हजारों साल से चल रहा है उसको भी समझना है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है, ये कोई इसको नेगेटिविटी में ना ले, पैसिमिस्टिक ना रहे हम, वी आर ऑप्टिमिस्टिक। अब वो ऑप्टिमिज्म का दौर शुरू हुआ है, अब सच्चाई में आपकी बात जो गुप्ता जी कर रहे हैं, अभी हमारे से पहले मित्र बोल रहे थे, ये सारी बातें दुनिया के पटल पे जा रही हैं, दीज आर बीइंग रजिस्टर्ड एंड दीज आर बीइंग रिव्यूड एंड दीज आर बीइंग रिप्लाइड रिस्पॉन्डेड। और आपको पता है अभी एक ने एक वो किताब लिखी है, एक बदमाश है वो आरएसएस का, मिस्टर मल्होत्रा, उसके विजय पता नहीं क्या नाम है, उसने लिखा है द स्नेक्स इन गंगा, वो इतना भयभीत हो गया एक लड़की के एक आर्टिकल से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लड़की है लव वंडे करके, उसने एक आर्टिकल लिख दिया एक और वो पब्लिश हो गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, और इनको तो आग लग गई, और उनको कह रहे स्नेक्स इन गंगा। तो अभी वो किताब मुझे नहीं मिली, मैंने उसको पढ़ नहीं पाया, लेकिन ये हमारे क्योंकि अब हमने ब्रेन वॉश अपना कराना बंद कर दिया, शायद लावण्य ने कर दिया है या एंगड़े ने कर दिया है, अभी राम जी तो कहीं जिक्र करते हैं, उन्होंने भी कर दिया, हमारे सारे कई मित्र जो यूट्यूब चलाते हैं, और सबसे बड़ा तो ये जो हमारा ओबीसी मंच चल रहा है, दे आर नॉट अलाउइंग एनी ब्रेन वॉशिंग, ये बिल्कुल बैन हो गया यहाँ पर ब्रेन वॉशिंग। तो जनता को ये चाहते हैं कि महाकाल की आरतियां हो, फिर अयोध्या की आरतियां हो, वहां पर सोने की ईंटें चढ़ाई जाए, और जनता अभावों से अभाव उनको न फील हो कि, और वो नशे में चूर रहे भक्ति के, ये भक्ति का नशा उनके अंदर डाला जा रहा है। और हमें हमें याद रखना होगा कि बाबा अंबेडकर ने ये कहा था कि जिस दिन राजनीति में भक्ति आ जाएगी और नायक पूजा शुरू हो जाएगी तो पतन के गर्त में चले जाओगे, और वो पतन का गर्त वो शुरू हो चुका है इस देश में, और उसको रोकने की ताकत केवल हम लोगों में है, और उसको ये ब्रेन वॉशिंग के इस कंसेप्ट को हमें इसी संदर्भ में समझना पड़ेगा। ये
सोशल नेटवर्किंग करके हमारे माइंड को कंट्रोल, अब से नहीं, अभी चर्चा थी कि महिलाओं को ये अपने आगोश में ले लेते हैं, एक ही बिछोने के ऊपर ये युद्ध करा देते हैं. यस, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल पैराडाइम, मींस पैराडॉक्स, कि कैसे एक ही घर में इन्होंने आतंक मचा दिया ब्राह्मणवाद ने. एंड हमें पता होना चाहिए, हमारे ग्रंथों को हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? इन बुद्धों के इन ब्राह्मणों की जो जो साजिशें हैं, कैसे वो बुद्धों में भी ब्राह्मणवाद को उनको फैला रखे हैं, तो क्यों ना इनको हम गालियां दें, क्यों ना इनके उसका खंडन करें, इनको उधेड़ के रख दें हम तरक के कसौटी के ऊपर. तो ये क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ये कोई हमें कोई नया फिलोसफी करने की जरूरत नहीं है. हमें तो इन चीजों को, क्योंकि इस गंध को समझने के लिए हमें इस गंध को तो एक बार देखना ही पड़ेगा, इसमें है क्या, और तब इनसे हम आर्ग्यू कर सकते हैं. नहीं तो बड़े बड़े इनके जो पुजारी बैठे हैं वो माया और फलाना और ये और वो उसमें उनको डाल के रखते हैं. दिस इज वन टाइप ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. अब इनको ये हमारे छोटे बच्चों को ही ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, उनके दिमाग में डालना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. इनके पास बहुत साधन है और ब्रेन वॉशिंग को रोकना हमें अपना सोशल नेटवर्किंग इसमें करनी पड़ेगी. अभी आपको ये गोबल्स और मैनसन ने जो किया था, फासीवाद जो आया जर्मन में, तबाही हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो क्या था वो? ब्रेन वॉशिंग थी. उनको बताया गया कि आप ये हैं, यहूदी ये हैं, उनको मारो. तो आज हमारे उन्होंने मान लिया, ये जर्मन के लोगों ने मारा है उन यहूदियों को, कोई हिटलर ने खुद तो नहीं मारा के, उसने तो वो कीड़ा फेंका, गोबल्स ने उसको हवा दी. आज ये मोदी जो है ना जगह जगह जाके महाकाल की आरती करता है, और ऐसे ये बहुत ही खतरनाक इंसान है. आरएसएस इतनी घिनौनी साजिश करती है, धर्म के नाम पर हिटलर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हिटलर के साथ कोई चर्च का उसको समर्थन नहीं था, उसका एक अपना एक एजेंडा था, उसके बेसिस के ऊपर उसने किया. लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे देश में ये जो शैतान लोग चढ़ के बैठ गए गुजराती दो, और इनके पीछे आरएसएस का पूरा आमला, इनके साथ धार्मिक उन्माद जुड़ा हुआ है. वहां चर्च का समर्थन नहीं था, यहूदियों में चर्च या बाइबल डिस्टिंग्विश नहीं करती. तो फासिज्म का जो एक बड़ा खतरनाक खेल अमेरिका से शुरू हो रहा है, अमेरिकन लोगों, ये जो मैं मल्होत्रा की मैं बात कर रहा था, राजीव मल्होत्रा शायद इसका नाम है, ये अमेरिका का गुंडा है जिसको बुलाया गया वहां से. अभी जो हमारा ये एक मंत्री बना बैठा है, ये भी अमेरिका का गुंडा है. ये सुब्रमण्यम स्वामी भी अमेरिका का गुंडा है. ये उन्होंने इनको इम्प्लांट किया हुआ है कि आप एक्सपेरिमेंट करें इस देश में, और ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए बड़े फायदे की अपना सौदा बनता है. उनको अडानी और ये चाहिए, उनको हमारे देश की जगह चाहिए. पाकिस्तान में उन्होंने कर लिया, इसको हथिया लिया सारे पाकिस्तान को, वहां के हालात हमें पता है क्या होते जा रहे हैं. तो ये अमेरिकन एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे देश में ब्रेन वॉशिंग का, और इस एजेंडे में इन्हीं की कंपनियां सबसे ज्यादा एडवांस है. लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर या हमारे काफी लोग हैं, हमारी आवाजें भी बड़ी मुखर है, और इस इनकी हर चाल का हमारे पास जवाब भी है अब. और ये बुखलाए हुए हैं आरएसएस वाले. तो हमें आज के इस मैसेज में जो हमें जिसमें चर्चा कर रहे हैं ब्रेन वॉशिंग की, हमें नहीं अलाउ करना चाहिए कि ये हमारे दिमागों में घुस जाएं. और इसके लिए हम अपने यही इसके लिए इसका जरिया यही है. अभी एक बहन का प्रश्न था कि कैसे किया जाए, वो बड़ा ज्वलंत प्रश्न था, बहुत ही एक रेलिवेंट उनका एक जिज्ञासा थी, और उसका उनके पास ही उसका उत्तर है. वो जो कर रही है दैट इज द आंसर, दैट इज द वे, वही एक रास्ता है जो वो कर रही है. उनको किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है. बाकी जगह तो मनन करें, बैठें और मोटिवेट करें एक दूसरे की, जैसे अब हम इसमें अपना जुड़ रहे हैं. तो आज ये हॉलीवुड के हिटलर ने भी अपनी पिक्चर बनवाई थी, ये मोदी भी उसी कारगर में उसी ने खड़ा हुआ है. और एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इनकी चलाकियों को समझने के लिए हमें 70 साल लग गए. ये क्योंकि हमें नहीं पता चला कि ये कांग्रेस क्या कर रही है, हमें नहीं पता चला कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और
इंदिरा गांधी का क्या बीच में संबंध था। हमें नहीं पता चला कि रमन्ना महर्षि को क्यों इंग्लैंड में अमेरिका में ले जाया गया, हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार हुआ कब, जब ज्योतिबा फुले यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने क्यों इम्प्लांट किया ब्लास्टोवस्की को, तो कैसे इम्प्लांट किया इन्होंने स्वामी इसो कॉल आर्य समाजी बदमाश को, कैसे इन्होंने पहले से ही ये निहित किया हुआ था इसकी हमारी इस क्रांति को रोकने के लिए। तो 70 साल अभी हमें समझ आ रही है, ओ ये तो ऐसे हो गया चल रहा है। तो हमें बड़ी अच्छी बात है सोशल मीडिया के कारण इसका खुलासा होता जा रहा है, इसके बारे में हमारे जो विद्वान लोग हैं वो, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूट्यूब यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक जो ऑर्गेनिक हमारे चिंतक हैं फिलोसफर हैं जो जुड़ते हैं हमारे साथ, हम उनकी बात कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं सारी घटनाक्रम को कि किस टाइप से ये इम्प्लांटेशन, ये जो ये ट्रिगर करते हैं, फिर बाद में इनको रिमोट कंट्रोल से उड़ाना होता है बस हमारे बच्चों को, उसको उनको उलझा के अपने जाल में। लेकिन उसको समझने में हमें 70 साल लग गए, अब सोशल मीडिया के जमाने में इनको हम एक्सपोज करने में इतना समय हमें नहीं लगेगा। हिंदुत्व का मतलब यही है कि वो हमें मार्जिनलाइज करती है। हिंदुत्व सारी दुनिया का एक ऐसा जहर है सारी दुनिया में जो मार्जिनलाइज बाकी धर्मों में नहीं होता कोई भी, केवल हिंदुत्व ब्राह्मणवादी मनुवादी उसमें होता है, मार्जिनलाइज हो जाता है। और ये किसी के ऊपर भी अपना लेप चढ़ा देते हैं, किसी को भी ये उसको उलझा देते हैं, मतलब इतना निखालिस एक क्रांतिकारी आंदोलन जो मोहम्मद ने शुरू किया है, जो बाबा नानक ने शुरू किया, गुरुद्वारों का आरएसएसकरण हो चुका है, हम देखते हैं पंजाब में यहाँ पर वहां पर लीलाएं हो रही है, कृष्ण की लीलाएं गा रहे हैं सरदार लोग, वाह झूम रहे हैं मस्ती में, मोदी की भक्ति हो रही है, दिस इज रियलिटी वो पंजाब। चलो दिल्ली की बात छोड़िए आप, यहाँ तो ये ब्राह्मणीकरण, अरे नानक साहब ने तो कबीर की बात की, नानक ने तो खुद अपना एक बड़ा क्रांतिकारी व्यू रखा और कभी भी उसने ढकोसले को और इन चीजों को हवा नहीं दी, लेकिन वहां तो नानक गुरु ग्रंथ में तो इन सब क्रांतिकारी लोगों की वाणी है, लेकिन उसको भी ब्राह्मणीकरण इसका देखो कितनी खूबसूरती से, और वो सरदार लोग लगे हुए हैं इसी काम में लगे हुए हैं वो सारे। तो इसके भाषणों में नरेंद्र जो मोदी है ये अपना सो कॉल्ड धार्मिक आरएसएस का एक बड़ा खतरनाक चेहरा मोहरा, ये धर्म मोल भक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, आप देखते हैं किस प्रकार से इसने देश के अंदर एक आतंक का एक माहौल बनाया हुआ है। और उसी में एक आशा की किरण ये है कि हम लोग आज सोशल ब्रेन वॉशिंग के ऊपर ये डिबेट हमने की है, सभी का मेरे ख्याल से काफी लंबी छोटी बातें इसमें हो सकती है, लेकिन काफी कुछ हो चुका है। मैं आर्टिकल 30 के बारे में ये कहूंगा कि वहां जो माइनॉरिटीज की बात है या भाषाओं की भाषाओं की है कि भाषा में माइनॉरिटी के लोगों को अपना हक होगा, ताज्जुब है होता है हमारे देश में भाषागत माइनॉरिटीज को कोई इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलेगा, सारे धार्मिक इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, धार्मिक बेसिस के ऊपर जो बने हुए हैं। इतनी छोटी छोटी भाषाएं हैं, जैसे अभी बोल रहे थे गुप्ता जी, बड़ी प्यारी भाषा है, उसका कोई हिंदी से मतलब नहीं है, मुझे उसका कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ अपना आई डोंट नो वेदर वो बिहारी लैंग्वेज थी या कोई यूपी की लैंग्वेज थी, वो एक माइनॉरिटी लैंग्वेज है, उसका कोई रिलेशन हिंदी से नहीं है, लेकिन ये थोपना चाहते हैं हिंदी को क्योंकि ये ब्राह्मणवाद का पोषण करती है। हिंदी भाषा इतनी खतरनाक भाषा है जो ब्राह्मणवाद का बहुत शानदार पोषण करती है। आई एम सॉरी हम उसी भाषा में संवाद करें, लेकिन हमारी हिंदी नहीं है, ये मिक्स टाइप की भाषा है, असं पंजाबी भी बोलते हैं विच विच, हिंदी भी आ जाती है, उर्दू के भी लफ्ज होते हैं विच ही। तो लेकिन जो गुप्ता जी बोल रहे थे तो that seems to me मेरे को लगता है कि वो एक माइनॉरिटी लैंग्वेज है, उसका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, दैट इज मदर टंग ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, जिनकी माँ वो भाषा बोलती है और बच्चों को बड़ा मजा आता है वो माँ की काइबे लाइबे ऐसे जो बोल रहे थे वो, आई एम सॉरी वो बड़ी उनके लिए वो
ये लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी है आपने कि गुप्ता जी जो भाषा बोल रहे थे आज उसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी बनी हो वहां पर उसके ऊपर शोध हो रहा हो? नो, उसको हिंदी का के चाशनी में चढ़ाया गया। तो नाउ ये ब्रेन वॉशिंग या लैंग्वेज को सिक्योरिटी के लिए हमें ये भी आंदोलन करना होगा, चाहे वो जो भी लैंग्वेज है उसको भी हम प्रिजर्व करें और उसके लिए भी प्रयासरत हो। एंड आई थिंक ये बीज बोए जा रहे हैं, ये पेड़ बनेंगे, इन पे फल भी लगेंगे और हम आशावादी लोग हैं। मेरे ख्याल से हम बड़े अच्छे लोग हैं, ये 90% की आबादी के लोग अब समझ रहे हैं चीजों को। थैंक यू वेरी मच, सभी ने बात सुनी। ये दो शब्द है, ब्रेन वॉश की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसके लिए पड़ी, ये सोचनीय सब्जेक्ट। क्यों ब्रेन वॉश उसी के किया जाता है जिससे हमें गुलाम बनाना है, शोषण करना है या उससे कुछ छीनना है। तो मीठी मीठी बातें कहकर मीठी मीठी जहर फैलाया जाता है, उस तरह से उसका वेन को खाली जो वेन था उसमें कूड़ा करकट गोबर भर दिया जाता है। सदियों से जब से हम देख रहा हूं गोबर को गणेश बनाकर हमारे लोगों को पुजवाता है, ये ब्रेन वॉश का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी ब्राह्मण कराता है तो वहां पूजा पाठ जो है वो ब्राह्मण नाम का व्यक्ति कराता है, वो गोबर को गणेश बनाता है और हमारे लोगों से चढ़ावा उसकी पूजा कराता है। यानी ब्रेन को हमारे किस तरह मकर जाल में फंसाया, ब्राह्मण भास में फंसाया, वो व्यक्ति ब्राह्मण है, स्पष्ट जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये आप लोग को एक बात बताता हूं, 74 में जगदेव प्रसाद ने जुलाई के आसपास में इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप कुछ सीएम बनाते हैं, आप जेपी आंदोलन को एगेंस्ट में कार्य कीजिए, यानी अपने तरफ लोगों को मुड़िए। जगदेव प्रसाद ने कहा बिल्कुल सही, लेकिन आपको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकारी बैंकों को बहुत सी चीजों को सरकारीकरण किया है, निजीकरण से, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हम आपको पद नहीं चाहिए, हम आपको साथ दे रहे हैं, एक शर्त है, आप ये जो मंदिरें जो है मस्जिदें जो है उसको राष्ट्रीयकृत कर दें। इंदिरा ने कहा ये असंभव, तो जगदेव प्रसाद ने कहा कि हमारा आपका साथ देना भी असंभव, और निकल पड़े। आप सब लोग जानते हैं जगदेव प्रसाद की हत्या सितंबर माह में 5 सितंबर को कुर्बान हुई, यानी जुलाई का घटना है। यानी ब्राह्मण जो को उसका जो धन है वो मंदिर में चढ़ावा है, भोजन ही चढ़ाते हैं, स्वर्ण भी चढ़ाते हैं, पंडित नहीं चढ़ाता है। वो जानता है, वो ब्राह्मण जानता है कि मेरा चीज है तो हम क्यों चढ़ाए। तो चढ़ाने वाले जो होते हैं क्षत्रिय कहलाए या पैस कहलाए या शूद्र कहलाए या चोटी कहलाए, वही चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में। अगर मंदिरों का चढ़ावा को राष्ट्रीयकृत किया जाए तो सिस्टम खत्म हो सकता, इसके लिए भी आंदोलन होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोगों ने आंदोलन नहीं किया। शायद अर्धक संघ के लोग ये साथ इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते होंगे तो इनको इसको बढ़ाना चाहिए था, मांग करना चाहिए था, मांग व्यापक रूप से उठाना चाहिए था और इस पर बहुजन को इकट्ठा करना चाहिए। करोड़ों अरबों की संपत्ति मंदिरों में किसका इस्तेमाल होता है, उसी से ये ब्राह्मणवाद पूंजीवाद जगत फैला है और हमारे लोगों को लोभ प्रलोभन देकर गुलाम बनाता है। एक बात यहाँ ये है कि दो रास्ता है, निरंजन जी ने कहा वो एक अलग रास्ता है, वो बुद्ध का रास्ता बता रहे थे, अंबेडकर का रास्ता अलग है।
बुद्ध अंबेडकर में अंतर है। बुद्ध ने अपना काम करते रहा, किसी की आलोचना नहीं किया, लेकिन वही अंबेडकर आलोचना किया। ये समझना होगा हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दोनों में समानता है, दोनों बहुजन के लिए कार्य कर रहे थे। असमानता है लेकिन दोनों बहुजन के लिए काम कर रहे थे और अपने पद पर अच्छी तरह से बढ़कर आज हम लोग जो पाए हैं संविधान के मार्फत हमारे लोग पाए हैं। ऐसा बात निरंजन जी ने कहा वो भी बहुत हद तक सही है। हमें शिक्षा से वंचित कौन कर रखा था? अंग्रेज के जमाने के पहले भी पढ़ते थे, अंग्रेज के जमाने में भी पढ़ते थे, मुगल काल में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई की सुविधा हो तो ना पढ़ेंगे, स्कूल हो तो ना पढ़ेंगे। अब उनका जो गुरु आश्रम सिस्टम था तो उसमें तो महाभारत में पढ़ते हैं कि एक द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा से वंचित किया, इसलिए कुशूद्र था। तो व्यवस्था जो है वो जो कहानियां हैं या काल्पनिक हो, लेकिन वो कहानियां का कहीं न कहीं इस भारत भूमि से ताल्लुकात है काल्पनिक होने के बाद। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।